रामदेवरा मेला 2019। आप देख सकते हैं बाबा के दरबार में लाइनें लगी हुई है, लोग दर्शन के लिए तत्पर चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र, लेकिन लोग यही ठान के बैठे हैं कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हम भी यही बाबा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो और इन सब यात्रियों की, जनता की मनोकामना पूर्ण करे बाबा। देख सकते हैं आप, लाइनें लगी हुई हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुख्य द्वार है जहाँ से मंदिर के अंदर की तरफ यात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्य गेट, ये गेट बीकानेर दरबार द्वारा बनाया गया था। यहाँ बीकानेर दरबार ने यह गेट बनवाया था। आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। चलते हैं आगे, बाबा के भजन चल रहे हैं, भजन गा रहे हैं बाबा के। हमारे साथ में जगमाल सिंह जी और हरीश यादव। बाबा के 24 पर्चों के साथ, जी हाँ, आप देख सकते हैं बाबा के 24 पर्चों के बारे में जानकारियाँ यहाँ पर विस्तृत चित्रकारी समेत की हुई है। चलिए हम बताते हैं आपको 24 पर्चों के बारे में कुछ अनोखी जानकारियाँ। आप देख सकते हैं बाबा के 24 पर्चों के बारे में, पांच पीरों को पर्चा दिया था उसके बारे में जानकारी, साथ में भजन चल रहे हैं। ये बैरूर आकाश का दृश्य, यहाँ बहुत ही अनोखे अनोखे दृश्य दर्शाए गए हैं बाबा के पर्चों के बारे में। इसका दृश्य देख सकते हैं आप, भगवान का दृश्य। अब आगे है डालीबाई के मंदिर की तरफ, यहाँ भजन चल रहा है। आगे देखते हैं डालीबाई का मंदिर, डालीबाई की समाधि यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, डालीबाई की समाधि यहीं पर है। ये सामने आ गया डालीबाई का कंगन। Yeah.
ऊधम सिंह जी थवर, लोग उनका आशीर्वाद लेते हुए बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। रामदेवरा तालाब, रात का वक्त है, चारों तरफ लाइटिंग हो रही है, व्यवस्था फुल व्यवस्था बनाई गई है, देख सकते हैं आप। हरीश बाबू हमारे साथ में, सावधानियां बरते, हर जगह पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। ये जो बाहर निकलते हैं मंदिर का दर्शन करके तालाब की तरफ, वो गेट है, देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। मुख्य गेट जहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं व्यवस्था बनाए रखने में। ये एक और गेट है, आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं है प्रशासन की तरफ से। भगवान की तरफ से दुर्घटना ना हो, लेकिन हर सावधानी के लिए तैयार है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है यहाँ पर, एनी टाइम 24 घंटे सेवा उपलब्ध। बाबा के भजन हो रहे हैं, भजन कीर्तन शाम के टाइम बाबा के मनमोहक भजन के साथ, संध्या का आनंद लेते हुए भगतगण। बाबा के भजनों में मग्न हुए यात्रीगण, बाबा के मनमोहक भजनों के साथ आनंद लेते हुए यात्रीगण भगतजन। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य नज़ारा है, बहुत ही अनोखा दृश्य। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बाबा के भजनों का लुत्फ उठाते हुए यात्रीगण, चलते हैं आगे की तरफ भजनों का आनंद लेते हुए। देख सकते हैं भजन चल रहे हैं, पूजा चल रही है, सभी भगतगण गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, भगवान से उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करे, मनोकामना पूर्ण करे भगवान की।
अब हम आ चुके हैं पर्चा बावड़ी, चलते पर्चा बावड़ी का नजारा दिखाते हैं आपको। ये पर्चा बावड़ी है, हमारे सामने बैठे हैं जितेंद्र रंगा और उनके पिताजी गिरधारी लाल जी रंगा, पवन टेलीकॉम रामदेवरा। रामदेवरा प्रसाद विक्रेता, प्रसाद की दुकान है रामदेव। यह अन्न क्षेत्र है बाबा रामदेव अन्न क्षेत्र, जहाँ गरीबों को सुबह शाम खाना खिलाया जाता है फ्री में।